नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में आरआरबी एनटीपीसी के बारे में सुना होगा। अब ये आरआरबी एनटीपीसी क्या होता है, पिछले कुछ समय से ये आरआरबी एनटीपीसी बहुत ही चर्चा में रहा है। आरआरबी एनटीपीसी क्या है, इसमें कितनी तरीके की पोस्ट होती है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या क्या आपको पोस्ट इसमें क्वालिफाई करने के बाद मिलेगी और उस पोस्ट की कितनी सैलरी रहेगी, इसका फॉर्म कब आएगा और इसकी तैयारी कब करते हैं, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी, हम सब ने नाम इसका सुन रखा है। आरआरबी एनटीपीसी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी, और एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कोर्स। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, ये एनटीपीसी किसी एक पोस्ट का नाम नहीं है। हम लोग के मन में यही कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है कि एनटीपीसी कोई एक पोस्ट है। दोस्तों, ये पोस्ट बिल्कुल भी नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी एक एग्ज़ाम का पैटर्न है। एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कोर्सेज। अगर हम पूरी तरीके से देखें तो कई प्रकार के कोर्सेज हैं इसमें जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं। टेक्निकल का रेलवे का फॉर्म अलग होता है, नॉन टेक्निकल का फॉर्म अलग होता है। नॉन टेक्निकल की जितनी भी अभी है, वो जितनी भी वैकेंसीज निकल जा रही है वो एनटीपीसी के थ्रू निकाली जा रही है। अब हमको ये कंफ्यूज नहीं हो रहा, ये एनटीपीसी वो पावर जनरेशन वाला एनटीपीसी नहीं है। एनटीपीसी पावर जनरेशन का मतलब है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वो अलग चीज़ है, ये एनटीपीसी अलग चीज़ है। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कोर्स, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आरआरबी एनटीपीसी अलग चीज़ है और एनटीपीसी अलग चीज़ है। अब आरआरबी एनटीपीसी में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों, अगर आपने 12वीं किया है मिनिमम, तो आप इसके थ्रू फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दो तरीके की पोस्ट यहाँ पर आती है। पहली पोस्ट आती है 12वीं के अकॉर्डिंग और दूसरी पोस्ट आती है ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग। अब दोनों ही आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। हाँ, आपकी एज जो है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 18 से 33 के बीच में आप इसको आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आपकी 33 साल से अगर उम्र ज़्यादा है और आप एससी एसटी ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं, तो आपको गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग इसमें रिजर्वेशन बिल्कुल मिलेगा। वो 3 साल, 5 साल और जैसा भी गवर्नमेंट रूल है एससी एसटी ओबीसी पे, उसके अनुसार आप उसका लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पर दो प्रकार की पोस्ट आती है, जैसा कि मैंने बताया, ट्वेल्थ बेस्ड की पोस्ट और ग्रेजुएशन बेस्ड की पोस्ट। ट्वेल्थ बेस्ड की कौन कौन सी पोस्ट होती है, चलिए हम वो देख लेते हैं। ट्वेल्थ बेस्ड में होती है जूनियर टाइम कीपर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क और ट्रेन क्लर्क। ये 5 तरीके की पोस्ट आपकी आती हैं, किसमें, ट्वेल्थ बेस्ड की पोस्ट पे। और इसी तरीके से ग्रेजुएशन बेस्ड की पोस्ट भी आती है, वो देख लेते हैं हम। जो ग्रेजुएशन बेस्ड की पोस्ट है वो है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट काउंटर, गुड्स गार्ड, ट्रैफिक असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। दोस्तों, स्टेशन मास्टर की भी पोस्ट इसी के थ्रू आती है। तो ये थी आपकी ग्रेजुएशन के बेसिस की जो कोर्स है। तो ट्वेल्थ बेस या ग्रेजुएशन बेस आप किसी भी प्रकार से इसमें जा सकते हैं। अब जो जाने के लिए इसका फॉर्म भरना होता है, और फॉर्म कब आता है, तो दोस्तों, जुलाई या सितंबर में हर साल लगभग इसका फॉर्म देखने को मिल जाता है। अगर रेलवे उस साल अपनी प्रॉपर नोटिफिकेशन, प्रॉपर वैकेंसी निकाल रहा है, तो आपको जुलाई के बाद में ही ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो अभी जून चल रहा है, तो इसके मई चल रहा है, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, तो आप जून में आप देखेंगे ये फॉर्म निकलने की उम्मीद है। अब यहाँ पर देखिए, आपको फॉर्म भरने के बाद में एडमिट कार्ड का इंतजार करना रहता है। एडमिट कार्ड आपका आने के बाद आपको एग्जामिनेशन देने जाना पड़ता है, बट एग्जामिनेशन से पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी के लिए आपको इसका सिलेबस पता होना चाहिए और इसका एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। सिलेबस मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, हमारे पास ये पूरा सिलेबस है। आप ऑनलाइन भी जा करके इसका सिलेबस चेक कर सकते हैं। पर्टिकुलर पोस्ट के अकॉर्डिंग इसका आपको अलग अलग सिलेबस मिल जाएगा। वैसे जो एग्ज़ाम होता है इसका, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT मोड में होता है। अब इसमें दो पेपर होते हैं, CBT 1 और CBT 2, जिसमें आपका GA यानी कि जनरल अवेयरनेस, GK जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग, इतने प्रकार के क्वेश्चंस आपके आते हैं। CBT 1 का भी सिलेबस यही रहता है और CBT 2 का भी सिलेबस यही रहता है। दोनों ही को आपको क्वालिफाई करना रहता है। दोनों को क्वालिफाई करने के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद में आपका यहाँ पर सेलेक्शन होता है। अब मान लेते हैं आपका सिलेक्शन हो गया,
अब आपको किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन चाहिए, किस पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है, वो आप फॉर्म को भरते समय ही इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और सैलरी भी मैं आपको बता देता हूँ कि सैलरी सभी पोस्ट की, जैसा कि मैंने बताया कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कोर्सेज है, तो अलग अलग पोस्ट की सैलरी अलग अलग रहेगी। ट्वेल्थ बेस की सैलरी अलग रहेगी और आपका ग्रेजुएशन बेस की सैलरी अलग रहेगी। लगभग देखने को मिलता है जो ट्वेल्थ बेस की पोस्ट है उसमें 2-4 हज़ार का डिफरेंस आपस में मिलता है। इसी तरीके से ग्रेजुएशन बेस की पोस्ट है उसमें भी 5-6 हज़ार का डिफरेंस आपस में देखने को मिलता है। मिनिमम सैलरी आपको 19 हज़ार से यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और जो ट्वेल्थ बेस की सैलरी है उसमें मिनिमम आपकी 35 हज़ार से देखने को मिल जाएगी। अब आपके ऊपर है, आप वो ट्वेल्थ बेस से करना चाहते हैं या फिर टेंथ बेस से, या फिर आप ग्रेजुएशन बेस से करना चाहते हैं। ट्वेल्थ बेस या ग्रेजुएशन बेस दोनों ही आपके पास ऑप्शन है, दोनों ही आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोनों ही एग्जामिनेशन देने के बाद में एक चीज़ ध्यान देने वाली है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और दोस्तों जब तक आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपरली यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो जाता है आपको यहाँ पर सिलेक्शन नहीं मिलता है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, रेलवे की कोई भी वैकेंसी हो तो फॉर्मेट्स आपके बिल्कुल भी सही होने चाहिए। रेलवे में फॉर्मेट बिल्कुल सही देखा जाता है। जो आपका सर्टिफिकेट्स है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का मांग रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मांग रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, आपको फॉर्मेट उसी फॉर्मेट में आपको बनवाना रहता है। ये चीज़ें जब नोटिफिकेशन आता है तभी आपको पता चल जाता है। अब नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा, उसके बाद में ही इस पोस्ट को अप्लाई करिएगा। जैसे इसकी वैकेंसी भी आएगी, तो वैसे भी मैं वैकेंसीज पर बनाता हूँ, तो इसका भी वैकेंसी का मैं वीडियो बनाऊँगा और आप सभी को बताऊँगा कि इसमें क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो बेल आइकन को सबसे पहले तो आप प्रेस कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा आप, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही इसकी RRVNTPC की वैकेंसी आए तो मैं आपको गाइड कर सकूं कि किस तरीके से इसका फॉर्म भरना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है, एग्जामिनेशन देते समय किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों सही गाइडेंस है तो आपकी सारी चीज़ें सही होती जाती है, और अगर गाइडेंस नहीं सही है तो आप बिल्कुल भी फिजूल ही मेहनत करते रहेंगे। अगर अच्छा गाइडेंस चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को अभी प्रेस कर दीजिए।